नमस्कार, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। 5 अक्टूबर को मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में किसानों को सम्मान निधि के तहत किश्त जारी करेंगे। चुनावों के दौरान ये बीजेपी का बड़ा दांव देखा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस आज हरियाणा में घोषणा पत्र जारी करेगी। 7 बड़ी गारंटी के बाद ये कांग्रेस का घोषणा पत्र आ रहा है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बीच बड़ा दांव खेल दिया है। शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों की पेंशन बढ़ेगी। 5 अक्टूबर को मतदान है, उसी दिन जो है किसान सम्मान निधि की किश्त भी जारी हो रही है। तो ये कई बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव के वक्त ही जो है पैसा क्यों बीजेपी की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसी योजना बीजेपी सरकार क्यों लेकर आई है जिसमें बार बार जो है संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि जो अग्निवीर है वो बिना पेंशन के नहीं रहेंगे। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सिर्फ हरियाणा में लागू होगा या फिर देश भर में लागू होगा। इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे। वहीं कांग्रेस भी लगातार जो है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए गारंटी लेकर आई है। और लगातार कांग्रेस कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा पहुंचने से पहले ही बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उठाया और उसी को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं। तो चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे मैं करा देती हूँ। ये सभी सवाल हैं जो इन घोषणाओं के बाद जो चुनाव से पहले पार्टियां कर रही हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन तिलक राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हैं शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इनेलो स्पोक्स पर्सन रजत पंजेटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। और साथ में मेरे दो सहयोगी जो हैं हिसार से ऋषिकेश मेरे साथ हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली है, और चंडीगढ़ से विशाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी देर में हम ऋषिकेश से बात करेंगे, लेकिन विशाल से बात कर लेते हैं पहले। विशाल, घोषणा पत्र आना है 7 गारंटी के बाद कांग्रेस का, कैसी तैयारी है, क्या खास रहेगा इसमें? देखिए, आज पूरी तरह से कांग्रेस भवन को सजा दिया गया है, और जिस तरह से 7 गारंटी कांग्रेस ने दी थी और उसके बाद आज जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों मिलकर इसको रिलीज भी करेंगे, और जो सूत्र भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 36 बरादरी को कांग्रेस ने पूरी तरह से टारगेट किया है, और 36 बरादरी की अलग अलग जो स्कीमें हैं उस घोषणा पत्र में होंगी। फिलहाल इस समय मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस भवन है, और यहां पर मेरे साथ सुनीता शर्मा है जो महिला सेवा दल की अध्यक्षा है, और पूरा का पूरा जो यहाँ पे तैयारी कर ली गई है, और 10:30 बजे के किसी भी समय में यहाँ पर घोषणा पत्र रिलीज हो सकता है। सुनीता जी, क्या कहेंगी कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हरियाणा के लोग देख रहे थे कि कब आएगा? बेशक आपने 7 गारंटियां दे दी हैं, महिलाओं को 2,000 रुपया, इसी तरह गरीबों को प्लाट और मकान, वहीं पर 300 यूनिट फ्री बिजली, आपके घर के लिए जो गैस का सिलेंडर, अब क्या कहेंगे कि क्या है इस घोषणा पत्र? देखिए, मैं सुनीता शर्मा महिला सेवा दल से, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी हुड्डा सरकार हमेशा ही 36 बिरादरी की पार्टी है। ये 36 बिरादरी को इकट्ठा लेकर चलती है, 7 लेकर चलती है। जैसे कि पहले ही हमने घोषणा कर दी थी कि 2,000 रुपये हर महिलाओं को प्रत्येक को मिलेंगे, और इसके साथ साथ प्रत्येक बुजुर्ग को 6,000 पेंशन मिलेगी। उसके साथ साथ जो बुजुर्ग है या फिर तलाकशुदा है, ऐसी महिला है, उनको भी जो है अलग से 6,000 रुपये की पेंशन की घोषणा करने की आज बात की गई है, और आज करेंगे भी। और किसानों के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 5 तारीख को 5,000,000 रुपये ये जो है सम्मान में दिए जाएंगे। नहीं, सम्मान निधि है जो किसानों के खातों में जाती है, 5,000,000 रुपये नहीं है, कम होते हैं, लेकिन किसानों की आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार उनकी फसल
के चलते देती है। हाँ जी, वो देती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 700 शहादतें हुई है हमारे किसानों की, उनके सम्मान के लिए क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? उनके एक सम्मान की बात भी बता दीजिए, उनके एक किसान के लिए उन्होंने सम्मान दिया है। और अब पता है ना, अभी इलेक्शन है, है ना, अब ये सरकार जाने वाली है, ये झूठों की जुमलों की सरकार जाने वाली है, इसलिए अब ये सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं किसानों के कि हाँ जी अब कोई भी जुमलों में आने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी, आप सुन लीजिए। और आज जो है हमारा घोषणा पत्र, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे जो है हमारे हुड्डा जी, है ना, वो आ रहे हैं और घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो आज जो है हम सब आ रहे हैं। देखिए विपनेश, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि के ऊपर जो कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर 5 तारीख को ही क्यों। बेशक यहाँ पर मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आलोक शर्मा पहुंच चुके हैं जो यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ पर राजस्थान से डॉक्टर शर्मा भी हैं। मैम क्या कहेंगी कि किस तरह से आज जो घोषणा पत्र है, क्योंकि आप विधायिका हैं राजस्थान से, तो आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगी कि आज जो घोषणा पत्र आ रहा है तो घोषणा पत्र में क्या होगा, क्योंकि आपने 7 गारंटियां पहले ही दे दी हैं? घोषणा पत्र में अभी वो जो 7 गारंटियां हैं उसके ऊपर हम ज्यादातर बात करेंगे, और ये महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, हमारे पहलवानों के लिए, सबके लिए है। ये एक घोषणा पत्र होंगे जो हरियाणा की जनता के लिए होंगे, बस जो अमीर लोगों के लिए नहीं, बस ये सबके लिए है। किसान सम्मान निधि आ रही है 5 तारीख को किसानों के खातों में, आने दो, वो है, वो अभी रेवड़ी नहीं होता है, मैं आज पूछ रही हूँ, वो रेवड़ी नहीं है, जब दूसरी पार्टी करते हैं तो वो रेवड़ी बन जाता है, अभी कैसे वो रेवड़ी नहीं हो सकता है? तो वो वो मेरा सवाल आज है, आप अभी क्यों दे रहे हो? 10 साल आप थे, आप शासन में थे, क्यों नहीं किया? किसान सम्मान निधि तो पहले भी आती रही है, लेकिन बीच में उसने कम किया, अभी वो बढ़ा दिया, तो किसान सम्मान निधि एक साइड से, दूसरी साइड से 700 से ऊपर हमारे किसानों शहीद हो गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री अभी तक श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया, अभी भी दीवारें हैं, पंजाब से किसान हरियाणा के अंदर नहीं आ सकते शंभू बॉर्डर पे, क्यों अब किसान को क्यों नफरत करते हो, क्यों अर्बन नक्सल बोलते हो, क्यों खालिस्तानी बोलते हो? किसान हमको सबको हमारा देखभाल करते हैं, तो किसान के खिलाफ है ये सरकार। नहीं, जो आपका अभी मैनिफेस्टो आएगा, पहले आपने 7 गारंटियां दे दी, उसमें महिलाओं को भी दिया, किसानों को भी दिया, सारे वर्गों को दिया, अब इसमें कहा जा रहा है कि 36 बिरादरी को जो मैनिफेस्टो टारगेट करेगा, अलग अलग जो यहाँ पर समुदाय है। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप पूछ रहे हैं, मुझे एक सवाल पूछा आपने, आप मैनिफेस्टो क्या मैनिफेस्टो में होंगे, एक जब चुनाव लड़ते हैं कोई भी पक्ष, ठीक है विशाल, आते हैं आगे भी इनसे बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें, अब सीधे हिसाब का रूप लेते हैं।